thank you So guys, आज मैं बनाने वाली और उसके बाद अभी बैटर देखो कितना ज्यादा फुल गया है मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे से आज दीदी का मन कर रहा था दीदी का और बच्चों का मन कर रहा था कि डोसा खाने का क्योंकि कल टीवी में देख लिया उन्होंने तो फिर कल बोले मुझे कि डोसा बना लो तो फिर मैंने सोचा चलो आज डाल देती हूँ डोसे का मतलब कल ही डाल दिया था तो दिखाती हूँ मैं आपको कितना ज्यादा फुल गया है आज डोसा बनाऊंगी और थोड़ा सा बच्चों को अगर लगेगा तो मैं ही क्या चाहिए आपको डोसा ही तो डोसा और पता नहीं अभी संकेत और मंथन को क्या चाहिए तो संकेत और मंथन को अगर ये चाहिए इडली वगैरह तो वो भी बना दूंगी उनके लिए अभी दीदी भी पता नहीं क्या बोलती है तो बस अभी डोसे का बैटर दिखाती हूँ आपको एक्चुअली गाइज मुझे ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना था तो इसी वजह से मैंने ने पाँच गिलास चावल लिए थे और पाँच कटोरी दाल ली थी उड़द की दाल बिना छिलके वाली और यहाँ पर चावल अच्छे से भीग गए है ये सुबह की क्लिप है जो अच्छे से चावल भीग गए थे और इसमें ही मैंने दो चम्मच ये क्या बोलते हैं मेथी डाल दी थी मेथी दाना डाल दिया था तो ये एक साथ में ही भीग गया है अच्छे से बस अभी मुझे इसे पीसना है और पीसने के टाइम थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि ये जो मतलब पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा फाइन होना चाहिए बहुत चिकना होना चाहिए तभी जाके आपका जो डोसा है वो भी अच्छा बनेगा और उसके बाद आपकी इडली भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी जैसे कि साउथ इंडियन के पास जैसे ये होता है ना क्या बोलते हैं तो ग्राइंडर होता है तो उनका बैटर अपने आप अप सॉफ्ट हो जाता है तो क्योंकि उनके पास ग्राइंडर होता है तो बहुत चिकना पीसा जाता है उसमें और मिक्सी में इतना ज़्यादा चिकना पीसा नहीं जाता है तो इसी वजह से थोड़ा सा दरदरा हो रहता है बट थोड़ा सा चिकना पीसना है तभी जाके आपका बैटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा मतलब बैटर बोल रही हूँ इडली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा करके मैं पीस लूँगी ज़्यादा पीसा नहीं जाएगा तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी में मैं पीस लूँगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी बहुत चिकना पीसूँगी और काफ़ी दिनों से मन कर रहा था खाने का बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कुछ आ ही जा रहा था तो इसी वजह से और वैसे भी अभी डाइट थोड़ा सा ध्यान दे रही थी तो इसीलिए मैं खुद भी सोच रही कि ऐसा कुछ ना बनाऊं बट दीदी का मन था बच्चों का मन था तो इसीलिए आज सोच लिया कि चलो यार बहुत दिनों से ऐसा कुछ खाया नहीं है तो खा लेते हैं आज माही को मच्छर ने काट लिया बर्फ लगा रही है यहाँ पर खुजली हो रही बहुत खुजली बहुत। यहाँ पे देखो ये दोनों साइड से हुआ है अरे यार अरे माए को तो कुछ भी सूट नहीं होता बिल्कुल अरे तो मच्छर सूट नहीं हो रहा <laughs> मच्छर सूट नहीं मतलब आ, कुछ भी देखो मच्छर सादा सा सिंपल सा मच्छर काट लिया फिर भी देखो कितना ये देखो यहाँ पर भी बड़ा हुआ दिख रहा है और ये भी दुख रहा बहुत दुख रहा भी अरे बाप रे ये देखो उसी का बैटर कितना ज्यादा फूल गया है पूरा पतेले के ऊपर आ गया मैंने ज्यादा ही डाल दिया था क्योंकि डिनर में यही खाने वाले है हम लोग डिनर में दूसरा कुछ बनने ही वाला नहीं है तो इसी वजह से मैंने ज्यादा ही डाला था तो मतलब पेट भर के बच्चों को हो जाना चाहिए तो इसीलिए hey मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो प्रोडक्ट है ये मामा अर्थ का मिल्क की सॉफ्ट बॉडी लोशन फॉर बेबीज आपको तो सबको पता ही है कि मैं अपने बच्चों के लिए मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ चाहे माही के लिए हो चाहे अद्विक के लिए हो तो इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स एड है वो बता देती हूँ ये जो मामाद के प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेचुरल से बने होते हैं आप सभी को पता है और मामार्थ जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है तो आप सभी को पता है कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि हमें सबसे पहले इंडियन ब्रांड्स को ही प्रीफर करना चाहिए तो इसमें है ओट्स मिल्क एंड कैलेंडोला ये बिल्कुल नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स से बना है तो इस वजह से आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है कि आपके बच्चों के लिए कुछ हार्म होगा इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है तो इसीलिए आपके बच्चों की स्किन इससे बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी सॉफ्ट हो जाएगी स्मूथ हो जाएगी और वैसे भी बच्चों की स्किन कितनी ज्यादा नाजुक होती है तो उनके लिए ऐसे ही नेचुरल से बने हुए प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए और इस पर लिखा है ये ट्वेंटी फोर आवर तक मॉइस्चराइजेशन देता है तो सच बात है क्योंकि एक बार मैं अदबी को लगा देती हूँ ना तो दूसरी बार लगाने की जरूरत नहीं होती है ये जो प्रोडक्ट है वो टॉक्सिन फ्री है जीरो प्लस बच्चों के लिए यूज कर सकते हो आप मतलब जैसे बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं तब से आप इसे यूज कर सकते हो जीरो प्लस बच्चों के लिए मतलब ऐसे ईयर नहीं लिखा हुआ है कि आप इसे कब तक यूज कर सकते हो कभी भी यूज कर सकते हो जीरो प्लस बच्चों के लिए और इसमें आपको क्वांटिटी मिल जाती है फोर हंड्रेड एम एल काफी अच्छी क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है और इसकी प्राइस जो है वो थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज है थ्री नाइनटी नाइन रुपीज में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे कैंचन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो उसमें आपको 20 परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो प्रोडक्ट है वो इजीली अवेलेबल है मामा आर्थ की वेबसाइट पे अमेजन पे एंड फर्स्ट क्राइ पे तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दिया है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहां पर जो लिंक है उस उसपे क्लिक करके इसे परचेस कर सकते हो और मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा इससे आपको एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल जाएगा मामा आर्थ की वेबसाइट पे वो भी बता दे रही हूँ मतलब दूसरी वेबसाइट पे आपको ऑफ नहीं मिलेगा मामा आर्थ की वेबसाइट पे ही मेरा कूपन कोड अप्लाई होगा हाँ जब भी आप मामाद के प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वो आपको वेबसाइट से लिंक करते हैं और एक ट्रिप प्लान करते हैं और उसका पिक और लोकेशन आपको सेंड करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है इनकी मामाथ ने उनका ऐप भी लॉन्च किया है तो ऐप का डाउनलोड लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप उससे क्या होगा कि आपको जो भी डिस्काउंट है या ऑफर चल रहा है वो सबसे पहले मामाद के ऐप पे मिल जाएंगे तो इसी वजह से आप मामाथ के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है और इस प्रोडक्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए चेकआउट जरूर कर लेना यहाँ पर कर रही हूँ मैं सांभर बनाने की तैयारी पैच काट लिया है टोमेटो काट रही हूँ मिर्ची है चार मिर्च ले ली है मैंने हरी मिर्च और उसके बाद इसमें वो लौकी जाएगी बस इतनी ही चीज़ें हैं आलू भी नहीं है आज बस आ, जो चीज़ें हैं आपके पास वो डाल सकते हो यार सांभर में तो क्या है अपने पसंद की चीज़ें आप डाल सकते हो जितने भी वेजिटेबल है उसमें कम ही पड़ेंगे फ्लावर भी नहीं था कुछ भी नहीं था क्योंकि मम्मी के यहाँ पे जाना था ना तो कुछ ये भी नहीं लाया है मतलब ज़्यादा चीज़ें लाई भी नहीं थी तो इसी वजह से यहाँ पर सांभर मसाला ले लिया है एवरेस्ट का और तब तक मैं इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ इडली के कढ़ाई में मैंने पैने डाल दिया है गैस पर चढ़ा दी है और बस अभी जो मोल्ड है अपना उसमें मैं ग्रीस करूँगी ऑयल को और बस उसमें अपना जो इडली का बैटर है वो डाल दूँगी इडली बनाने के लिए रख दूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी डोसा वगैरह बनाऊँगी और फिर बच्चों को डोसा भी चाहिए था इडली भी खानी थी तो वो सारी चीज़ें बनाई मतलब जो भी बच्चों को खाने का मन था वो सारी चीज़ें बना दी मतलब ऐसा मन नहीं रहे बच्चों का उसमें और कल का किस्सा बताती हूँ आपको कल क्या हुआ टीवी में बच्चों ने क्या किया टीवी में यूट्यूब लगाया और उसमें उन्होंने वो देखा तिरंगा वाला डोसा मतलब जैसे कि वो ऑरेंज कलर का उसके बाद ग्रीन कलर का और उसके बाद वाइट कलर का ऐसे तिरंगा डोसा दिखा और उसमें ना तिरंगा डोसा में क्या क्या डाला था वो भी मैं बना के देखूँगी कभी जैसे कि अभी तिरंगा डोसा ऑरेंज कलर का बनाना है तो ऑरेंज गाजर डाला पीस के बैटर में यही वाले बैटर में उसके बाद ग्रीन बनाना था तो ग्रीन डोसा बनाने के लिए उन्होंने पालक को पीस के डाल दिया यही वाले बैटर में तो ग्रीन डोसा बन गया उसके बाद वाइट डोसा तो होता ही है तो ऐसे करके उन्होंने तिरंगा डोसा बनाया था और उसके साथ तिरंगा चटनी भी बनाई थी जैसे कि ऑरेंज चटनी ऑरेंज तो मतलब रेड वाली चटनी तो होती ही है उसके बाद ग्रीन चटनी और वाइट चटनी जैसे कि मूंगफली की चटनी और ग्रीन पुदीने की चटनी ऐसे बनाई थी तो जैसे ही हम लोगों ने वो देखा ना तो सबका मन कर गया खाने का तो इसी वजह से फिर दीदी बोल रही थी कि दाल चावल डाल दो भिगोने के लिए हम लोग डोसा बनाएंगे तो इसी वजह से फिर ये चीजें हुई और आज सब लोग पेट भर के डोसा और इडली ही खाने वाले हैं आज कुछ भी डिनर में अलग बनने वाला नहीं है मतलब खाना नहीं बनने वाला है यही बनने वाला है तो यहाँ पर मैंने क्या क्या डाला वो भी बताना भूल गई आपको बातों बातों के चक्कर में तो यहाँ पर मैंने दाल डाल दी और सारी सब्जियाँ जो मैंने काट के रखी थी वही डाल दी उसमें सारी की सारी एक साथ ही डाल दी और सीटी लगा रहे हो थोड़ी सी हल्दी डाल के तो बस यहाँ पर मेरी इडली भी बन रही है और यहाँ पर वो जो दाल है वो पक चुकी है तो इसको मैंने ऐसे ही चला लिया पहले और उसके साथ ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया बस ऐसे ही सादा सा ब्लेंड कर लिया मतलब ज़्यादा सब्ज़ियाँ गलनी नहीं चाहिए बस दाल दाल गलनी चाहिए बस क्योंकि सब्ज़ियाँ खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है टेस्टी लगती है जैसे कि सांभर में दिखती है ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था ज़्यादा आलू भी नहीं था सादा सा और फ्लावर भी नहीं थे तो ऐसे ही मैंने जो था उसमें ही बना लिया बस इमली का पानी डाल दूंगी और उसके बाद क्या करूंगी वो बता देती हूँ आपको मतलब मेरी रेसिपी है ये ऐसे ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है ये मुझे इतना नहीं आता है बट बहुत टेस्टी लगता है ऐसे बनाओ तो एक बार बना के देखना अगर आप ऐसे नहीं बनाते हो तो और यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया था यार ऑयल को आप लोग बताना मुझे कि ऑयल को क्या हो गया था ये ऐसे जैसे ही मैंने राई डाली ना तो वैसे ऊपर आ रहा था एकदम झाक झाक टाइप में हो रहा था पता नहीं क्यों हो रहा था आप लोग बताना अगर आपको पता होगा तो तो इस टाइप का हो रहा था तो मुझे ना एकदम से डर लग रहा था ये क्यों हो रहा है ऐसे देखो झाक कितना निकल रहा है उसमें से मैं जैसे ही सांभर मसाला डालने लगी थोड़ा ऑयल ऊपर भी आ गया था यहाँ पर मैंने ऑयल डाला फिर राई डाली राई चटकने के बाद मैंने इसमें सांभर मसाला डाला और सांभर मसाला मैंने दो चम्मच डाला दो चम्मच डालने तक तो वो ऊपर भी आ गया था देखो कैसे हो रहा है तो यहाँ पर बस सांभर मसाला डालने के बाद मैंने उसमें डाल दिया सांभर में और उसके बाद और पका लिया मतलब सांभर मसाला थोड़े से बड़े बड़े दो चम्मच डालना है ताकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आए तो मैं एवरेस्ट का ही ज़्यादातर सांभर मसाला यूज़ करती हूँ ना तो मुझे वो पसंद है एक बार सुहाना का भी देखा था यूज़ करके बट मुझे एवरेस्ट के ही टेस्ट अच्छी लगती है तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर एवरेस्ट की ही चीज़ें यूज़ करती हूँ और यहाँ पर दीदी को लगा कि ये अकेली बना रही है कब से तो इसी वजह से दीदी भी आ गई थी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए फिर दीदी ने पहले तो मेरा इडलियाँ बन गई थी उसके बाद दीदी ने थोड़ा सा मोल्ड में वो इडली का बैटर डालने के लिए हेल्प की और यहाँ पर मैं घी लगा रही हूँ एक्चुअली बटर भी लगा सकते हैं घी भी लगा सकते हैं ऑयल भी लगा सकते हैं दोसे को तो यहाँ पर मैं घी लगा रही हूँ क्योंकि घी भी थोड़ा सा हेल्दी ही होता है तो इसी वजह से घी लगा रही हूँ और उसके बाद क्रिस्पी बनता है डोसा थोड़ा सा घी वगैरह ऊपर से लगाओ और वैसे भी मेरा डोसा अच्छा बनता है मतलब खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ बट अच्छा बनता है मुझे मुझे भी अच्छा लगता है पसंद आता है क्रिस्पी बनता है मेन इसी वजह से और बाकियों को भी पसंद आता है तो दीदी भी पूछ रही थी कि क्या डाला है और इडली भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी तो यहाँ पर बस जो मैंने किया वो आपके साथ शेयर किया ही कि कैसे बैटर बनाया था और ये वो तो बस यहाँ पर ऐसे ही डोसा तो आपको पता ही होगा कि कैसे बनाते हैं बस तवे पे थोड़ा सा पानी छिड़क दो थोड़ा सा तवा जो है वो पहले डालने के टाइम पे ठंडा होना चाहिए उसके बाद जब हम लोग डोसा के बैटर डालते हैं फैलाते हैं उसके टाइम आप लोग को फ्लेम जो है हाई कर देनी है तब जाके आपका डोसा क्रिस्पी बनेगा और उसके बाद आप ऊपर से जब वो छेद छेद पड़ने लगते हैं ना उसमें तब आप ऊपर से घी लगा सकते हो बटर लगा सकते हो ऑयल लगा सकते हो इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो जो आपको पसंद है वो लगा सकते हो ज़्यादातर बटर लगाती हूँ मैं बट आज घी लगाया क्योंकि बटर बहुत ही कम था तो इसी वजह से घी लगा दिया बहुत सारे दोसे बनाने थे तो इसी और ये घर पे नहीं थे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हम लोग ही खाना खा रहे हैं मतलब खाना मीस वही खा रहे हैं ये नहीं है घर पे तो ये ड्यूटी गए थे ड्यूटी से अभी तक नहीं आए थे तो डिनर हमारा हो भी गया था अभी तक ड्यूटी से नहीं आए थे जब वो ड्यूटी से आएंगे तब वो अकेले ही खाएंगे क्योंकि हम लोगों ने तो खा लिया था बच्चों से कंट्रोल नहीं हो रहा था तो इसी वजह से हम लोगों ने खा लिया तो चले गए इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे अधिक भी आ गया आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद हो आ, पसंद आया होगा है। आ, तो हाँ <laughs> तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बोलो चेंगे? नहीं ये नहीं सब्सक्राइब करने के लिए बोलो सब्सक्राइब कर देना, को दे और? फोड़ देना तोड़ देना फोड़ देना घंटी को तो और हाँ इसके अलावा मेरे दो और चैनल है आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना तो चले फिर बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय ध्यान रखना अपना हाँ। मैंने खाना खा लिया था आपने भी खाना खाना खा खा लिया लिया क्या बताइए कमेंट करके बताइए खाना खा लिया क्या, हाँ। खा लिया क्या? हाँ। इसने तो खाना खाया क्या खाया मैंने और खाया इडली सांबर खाया तो चलिए फिर बाय गाइस टेक केयर